हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्त जनों का नित्यम भागवत सेविया के आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है एवं अभिनंदन है। आज नित्यम भागवत सेविया में कुछ तकनीकी खराबियों के कारण, खामियों के कारण हम आज लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए ये हम रिकॉर्डिंग करके और यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। तो आज जो हम श्लोक लेंगे वह प्रथम स्कंध के तृतीय अध्याय समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण नामक अध्याय से 24वें नंबर का श्लोक ले रहे हैं। तो आइए श्लोक लेने से पहले हम हरि नाम कीर्तन करेंगे, राधा माधव का गायन करेंगे। गायन के पश्चात फिर हम श्लोक का अनुवाद एवं श्लोक का तात्पर्य जो कि हमारे आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा रचित हैं का पठन करेंगे। तो आइए हम कीर्तन करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन बल्लभ जया गिरवर धारी, जया गोपीजन बल्लभ जया गिरवर धारी, जया यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बन चारी, यमुना तीर बन चारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा मैया सुभद्रा, जय गौरनिताई गौरनिताई गौरनिताई, जय गौरनिताई निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय श्रीला गुरुदेव। नमो ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवाजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमदेशी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रवाजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार श्री हरिदास ठाकुर प्रभुपाद की जय।
प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वाशादि गौर भक्त वृंद की जय। जय 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 श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा महारानी की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। संवेद भक्त वृंद की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। संवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु एंड गौरांग शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तमे श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिको। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो श्लोक संख्या 24। ततः कलो संप्रवर्ते सम्मोहाया सुरद्विषाम बुद्धो नामना अंजन सुताः कीकटेषु भविष्यति। शब्दार्थ ततः तत्पश्चात कलो कलयुग में संप्रवर्ते अनुघटित होगा सम्मोहाय मोहने के लिए सुर आस्तिक द्विषाम ईर्षालुओं को बुद्ध भगवान बुद्ध नामना नामक अंजन अंजन सुता अंजना के पुत्र कीकटेशु यानी गया बिहार प्रांत में भविष्यति होगा। अनुवाद एवं तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। तब भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे जो अश्रद्धालु जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। भगवान के शक्तिशाली अवतार बुद्ध गया बिहार प्रांत में अंजना के पुत्र रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अहिंसा की अपनी खुद की विचारधारा का उपदेश किया और वेदों द्वारा अनुमत पशु यज्ञों तक की भर्त्सना की। जिस समय भगवान बुद्ध प्रकट हुए तब जन सामान्य नास्तिक था और पशु मांस को सर्वोपरि स्थान देने लगा था। वैदिक यज्ञों के बहाने प्रायः प्रत्येक स्थान कसाई घर में बदल गया था और बेरोक टोक पशुवध किया जाता था। भगवान बुद्ध ने दीन पशुओं पर दया करके
अहिंसा का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि वे वैदिक नियमों में विश्वास नहीं करते। उन्होंने पशुवध के कारण होने वाले मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभावों पर बल दिया। कलयुग के उन अल्पज्ञ व्यक्तियों ने जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे उनके सिद्धांत का पालन किया और वे कुछ काल तक नैतिक अनुशासन तथा अहिंसा की शिक्षा पाते रहे। जो ईश साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने के लिए प्राथमिक कदम है। बुद्ध भगवान ने नास्तिकों को मोहित किया क्योंकि उनके ऐसे नास्तिक शिष्य ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वे उन बुद्ध में संपूर्ण श्रद्धा रखते थे जो स्वयं भगवान के अवतार थे। लेकिन वे उन बुद्ध में संपूर्ण श्रद्धा रखते थे जो स्वयं भगवान के अवतार थे। इस प्रकार श्रद्धा विहीन व्यक्तियों को भगवान बुद्ध के रूप में ईश्वर में विश्वास कराया गया। यह भगवान बुद्ध की कृपा थी कि उन्होंने अश्रद्धालुओं को अपने प्रति श्रद्धालु बनाया। भगवान बुद्ध के अवतार के पूर्व पशुवध समाज का प्रमुख अंग बन चुका था। लोगों का दावा था कि ये वैदिक यज्ञ थे। जब वेदों को प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा से ग्रहण नहीं किया जाता था, तब वेदों का आकस्मिक पाठक वेदों की अलंकारमयी भाषा के फेर में आ जाता था। भगवद गीता में ऐसे मूर्ख विद्वानों अभिपश्चित के विषय में एक टिप्पणी की गई है। वैदिक साहित्य के मूर्ख विद्वान जो शिष्य परंपरा के दिव्य अनुभूत स्त्रोतों से दिव्य संदेश ग्रहण नहीं करते, उनके लिए भ्रमित होना निश्चित है। उनके लिए कर्मकांड ही सब कुछ होता है। उनके ज्ञान में गहराई नहीं रहती। भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक के अनुसार वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेदः, वेदों की समग्र प्रणाली मनुष्य को क्रमशः भगवान के पथ पर ले जाने वाली है। वैदिक साहित्य की सारी रूपरेखा ही परमेश्वर आत्मा दृश्य जगत तथा इन सब के संबंधों को जानना। जब यह संबंध ज्ञात हो जाता है तो सापेक्ष कार्य चालू होता है और इस कार्य के फलस्वरूप जीवन का चरम उद्देश्य या भगवान के धाम वापस जाने का कार्य सरलता से संपन्न हो जाता है। दुर्भाग्यवश वेदों के अनाधिकारी विद्वान संस्कारों के प्रति अत्यधिक लुब्ध रहते हैं, जिससे सहज प्रगति बाधित होती है। ऐसी नास्तिक प्रवृत्ति वाले मोहग्रस्त लोगों के लिए भगवान बुद्ध आस्तिकता के प्रतीक हैं। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम पशुवध करने की प्रवृत्ति को रोकना चाहा। पशु के हत्यारे भगवान के धाम को वापस जाने की दिशा में हानिकारक तत्व हैं। पशुवध करने वाले दो प्रकार के होते हैं। कभी कभी आत्मा को भी पशु या जीव कहा जाता है। अतः पशुओं का वध करने वाले एवं आत्मा के स्वरूप को भूल जाने वाले दोनों ही पशु बाधिक हैं। महाराज परीक्षित ने कहा कि केवल पशुवध करने वालों को ही भगवान के दिव्य संदेश का स्वाद नहीं मिल पाता, अतः जिन्हें भगवत मार्ग की शिक्षा दी जानी है उन्हें सर्वप्रथम उपयुक्त विधि से
पशु वध की क्रिया को बंद करना सिखाना होगा। यह कहना मूर्खता है कि पशु वध को आत्म साक्षात्कार से कुछ लेना देना नहीं। इस घातक सिद्धांत के कारण कलयुग की कृपा से ऐसे अनेक तथाकथित सन्यासी सामने आए हैं जो वेदों के बहाने पशु वध का उपदेश देते हैं। इस विषय की व्याख्या भगवान चैतन्य तथा मौलाना चांद काजी साहेब की वार्ता में पहले ही की जा चुकी है। वेदों में वर्णित पशु यज्ञ, कसाई घरों में अनियंत्रित पशु हत्या से भिन्न है। चूंकि असुर लोग वैदिक साहित्य के तथाकथित पंडित वेदों में पशु वध का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, फलस्वरूप भगवान बुद्ध ने बाह्य रूप से वेदों के प्रमाण को अस्वीकार किया। उनके द्वारा वेदों का यह तिरस्कार लोगों को पशु हत्या के पाप से बचाने तथा बेचारे दीन पशुओं को उनके बड़े भाई के द्वारा वध किए जाने से बचाने के लिए किया गया, जो विश्व बंधुत्व, शांति, न्याय तथा समानता का नारा बुलंद करते हैं। पशु हत्या होते रहने पर कोई न्याय नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध इसे पूरी तरह रोकना चाहते थे, फलतः उनका अहिंसा संप्रदाय न केवल भारत में अपितु देश के बाहर भी प्रचारित होता गया। शास्त्रीय दृष्टि से भगवान बुद्ध का दर्शन नास्तिकतावाद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर को नहीं मानता और वेदों का बहिष्कार करता है, किंतु भगवान द्वारा यह छलावा मात्र है। भगवान बुद्ध परमेश्वर के अवतार हैं, अतएव वे वैदिक ज्ञान के मूल संस्थापक हैं। फलस्वरूप वे वैदिक दर्शन का निषेध नहीं कर सकते, किंतु उन्होंने ऊपरी रूप से इसका निषेध किया, क्योंकि सुरदुष या वे असुर जो सदैव भगवत भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, वेदों का हवाला देकर गोवध या पशु हत्या का समर्थन करते हैं। और अब यह आधुनिक सन्यासियों द्वारा किया जा रहा है। भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण का ही सर्वथा निषेध किया, यह केवल सैद्धांतिक है। यदि ऐसा ना होता तो उन्हें भगवान का अवतार ना स्वीकार किया गया होता, ना ही वैष्णव आचार्य जयदेव कवि ने दिव्य गीतों में उनकी पूजा की होती। भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण की स्थापना के लिए तथा शंकराचार्य ने भी उस काल के लिए अनुकूल विधि से वेदों के मूलभूत नियमों का उपदेश किया। इस प्रकार भगवान बुद्ध तथा आचार्य शंकर दोनों ने ही आस्तिकता का मार्ग प्रशस्त किया, और वैष्णव आचार्यों ने, विशेष रूप से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने लोगों को भगवत धाम वापस जाने का मार्गदर्शन कराया। हमें प्रसन्नता है कि लोग भगवान बुद्ध के अहिंसा आंदोलन में रुचि ले रहे हैं, लेकिन क्या वे इसे गंभीरतापूर्वक लेंगे और पशुओं के कसाई घरों को एकदम बंद करा देंगे? यदि ऐसा नहीं होता तो अहिंसा संप्रदाय का कोई अर्थ नहीं है। श्रीमद् भागवत की रचना कलयुग के आरंभ के पूर्व ही, यानी 5000 वर्ष पूर्व हुई थी, और भगवान बुद्ध का आविर्भाव
लगभग 2600 वर्ष पूर्व हुआ। अतः श्रीमद् भागवत में भगवान बुद्ध की भविष्यवाणी की गई है, ऐसा प्रमाणिक शास्त्र ग्रंथ है। ऐसी अनेक भविष्यवाणियां हैं जो एक एक करके पूरी होती जा रही हैं। ये सब श्रीमद् भागवत की सार्थकता का सूचक होगी, क्योंकि यह किसी त्रुटि, मोह, छल तथा अपूर्णता से रहित है, जो कि बद्ध जीवों के चार दोष हैं। मुक्तात्माएं इन दोषों से ऊपर हैं, अतएव वे सुदूर भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकती हैं। हरे कृष्णा। तो जो 21वें अवतार के रूप में भगवान बुद्ध का प्राकट्य हुआ और इस पृथ्वी पर लगभग 2600 वर्ष पूर्व भगवान बुद्ध का प्राकट्य हुआ और श्रीमद् भागवतम में भगवान बुद्ध के प्राकट्य की भविष्यवाणी पूर्व में ही की जा चुकी थी। तो इसी के साथ यहाँ पर इस सत्र को मैं विराम दे रहा हूँ। चूँकि आज का जो तात्पर्य था थोड़ा लंबा था, अतः हम दो श्लोक एक साथ नहीं ले रहे हैं। तो आज 24वें श्लोक का अनुवाद एवं तात्पर्य का पठन करने के पश्चात हम यहीं विराम ले रहे हैं। अगले सत्र में श्लोक संख्या 25 एवं 26-27 तीन श्लोक लेंगे, 25-26-27। तो तब तक के लिए मुझ सुबुद्धि राय दास को आप आज्ञा दें। हरे कृष्ण।